लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा महवा सब्जी मंडी में दुकानों के लिए बनाए गए रोस्टर प्रणाली को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि मंडी में भीड़ अब पूरी तरह से नियंत्रित है। अब सभी दुकानों को नियमित रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन आढ़तियों की गाड़ियों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि आढ़तियों को यह निर्देशित किया गया है कि वो अपनी दुकान पर मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने 1 मीटर की दूरी पर घेरा बनवा लें, जिससे कि सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन हो सके। और अगर कोई भी दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता है तो चालान का प्रावधान है, उसके बाद भी नहीं मानता है तो उसकी दुकान को सीज कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, मंडी में सब्जियों के दुकानों का रोस्टर बनाया जाता है, आज तक कब तक जारी रहेगा वो? देखिए, मंडी में दिन निर्धारित हुए थे कि इस दिन ये दुकानें खुलेंगी, इस दिन ये दुकानें खुलेंगी, तो अब मंडी में भीड़ काफ़ी नियंत्रित है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पे जो भी दुकानें हैं उनको नियमित रूप से खोलने के लिए बोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके गाड़ियों के नंबर्स पे भी प्रतिबंध है कि वो एक ट्रक या 2 मैजिक या 2 DCM ले आ सकते हैं। तो भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन कराने के लिए ये किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विक्रेताओं को अलग से निर्देश दिया गया है कि वो अपने दुकान पर मास्क सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनवा के रखें। इसके अतिरिक्त एक नई मंडी समिति में पहल ये की गई है कि हर विक्रेता अपने दुकान पे अपने यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनका रजिस्टर रखेगा और हर 7 दिन पे उसकी स्क्रीनिंग कराएगा, और 7 दिन पे स्क्रीन करा के उस रजिस्टर में नोट करके रखेगा कि इनकी क्या टेम्परेचर है, क्या लक्षण है। अगर कोई भी आदमी के अंदर लक्षण पाए जाते हैं या उसका टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, तत्काल जिला चिकित्सालय से संपर्क करके उसका परीक्षण कराया जाएगा। तो ये रजिस्टर सबको दिया जा रहा है। अगर कोई पालन नहीं करता दुकानदार तो उसके क्या? देखिए, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने के केस में यहाँ पे चालान का प्रोविजन है, उनके खिलाफ चालान किया जाएगा, और फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो दुकान सीज की जाएगी।